बीच अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच जंग की नौबत आ सकती है। ये रिपोर्ट अमेरिका की संसद में पेश की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि दो बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच बढ़ रहा टकराव दुनिया के लिए बड़े खतरे की घंटी है। मतलब ये कि अगर भारत और चीन के बीच में जंग हुई तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह असर इतना बड़ा होगा कि अभी से अमेरिका की सरकार को वहां के खुफिया विभाग ने चेतावनी देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अमेरिका की सरकार से दोनों के बीच जंग टालने की कोशिश करने को भी कहा गया, क्योंकि एलएसी पर चीन शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा। उसकी कोशिश कभी लद्दाख में गड़बड़ी करने की होती है तो कभी अरुणाचल में। भारत को उकसाने वाली चीन की इन कोशिशों का अंजाम सेनाओं का टकराव भी हो सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि भारत और चीन तेजी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर नौबत जंग की आई तो पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। ऊपर से अमेरिका की सरकार को खतरा सिर्फ चीन और भारत की जंग का नहीं है, बल्कि चीन की बढ़ती ताकत को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया गया है। और यह आशंका भी जताई कि चीन चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। अमेरिकी संसद में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 1000 से ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा चीन के पास कुछ ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी हैं जो मिसाइलें और एटम बम ले जाने में सक्षम है। हालांकि चीन की ताकत के ये आंकड़े अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन जिस तेजी से ये आंकड़े पिछले 3 साल में बढ़े हैं वो हैरान करने वाला है। माना तो ये जा रहा है कि चीन ने रूस के साथ दोस्ती केवल कारोबारी फायदे के लिए नहीं की, बल्कि पुतिन के साथ मिलकर चीन अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश में है। इधर खुफिया एजेंसियों से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर चीन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मिलिट्री ड्रिल करने में जुटा है, क्योंकि लद्दाख के गलवान और अरुणाचल प्रदेश के तवांग की घटना के बाद भारत ने एलएसी पर अपने ताकतवर हथियार तैनात कर दिए हैं, जिससे चीन घबराया हुआ है। इसी वजह से वो एलएसी पर अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाने के लिए कॉम्बैट मोबिलाइजेशन ड्रिल कर रहा है, ताकि वो कम समय में अपने जवानों तक मदद पहुंचा सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये ड्रिल 20 फरवरी को शुरू हुई थी, जो 10 मार्च तक चलेगी। इसके तहत चीन अपनी सेना के जवानों तक हथियार और दूसरा साजो सामान पहुंचाने का अभ्यास कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन इस ड्रिल को 1 साल में सिर्फ 2 बार करता था, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत को देखकर वो पिछले साल 5 बार ये ड्रिल कर चुका है, और अब वो एक बार फिर इसके जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। उधर चीन से तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज को भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि क्वाड देशों के रिश्ते कितने मजबूत हुए। INS विक्रांत पर पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया के PM ने भारतीय जवानों से मुलाकात की, और इस दौरान वो वहां मौजूद एक लड़ाकू विमान पर भी सवार हुए। एंटनी अल्बनीज ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ रहे सुरक्षा समझौतों को काफी अहम बताया। Last year we conducted more exercises, operations and dialogues than ever before. क्वाड में शामिल भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इधर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए 4th टेस्ट मैच को देखने दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी स्टेडियम पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के PM एंटनी अल्बनीज का स्वागत किया, और इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के कप्तानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। PM मोदी ग्राउंड पर भी पहुंचे और टीम के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने PM के साथ एक सेल्फी भी ली, जिसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर की। इस बीच CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपने स्कूलों की किताबों में भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान ने अब तक कई बार भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। लेकिन CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि पाकिस्तान अब स्कूल की किताबों के जरिए अपना मकसद पूरा करने में जुटा है। वहां के स्कूलों में 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में भारत के खिलाफ कई बातें लिखी गई हैं। इन किताबों में सबसे बड़ा झूठ तो महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया। उनकी गलत छवि पेश करने के लिए इन किताबों में ये बताया गया कि जैसे ही महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान मिली, उन्होंने हिंदू समुदाय के नेताओं का पक्ष लेना शुरू कर दिया था, और उन्होंने कई फैसले एक तरफा लिए थे। और ये भी जानकारी मिली है कि इन किताबों में यही आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगाए गए हैं। कहा गया कि कांग्रेस में हिंदू समुदाय के नेताओं की भरमार हो गई थी, जबकि मुस्लिम समुदाय के नेताओं की आवाज को दबाया गया था। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को उर्दू भाषा का विरोधी भी बताया गया। भारत के खिलाफ इन किताबों में कई झूठे तथ्य भी पेश किए गए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सामने आई सभी समस्याओं के लिए भारत को ही इनमें जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा भी भारत और हिंदू समुदाय के खिलाफ इन किताबों में कई गलत बातें लिखी गई हैं, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों में नफरत फैलाई जा सके। इधर खबर है कि रूस से निपटने के लिए ब्रिटेन उसके ही दोस्त चीन की राह पर चल पड़ा है। उसने जासूसी करने वाले गुब्बारों का भरा पूरा जखीरा बनाने की तैयारी कर ली है। इस काम के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका की एक कंपनी से 10 करोड़ पाउंड
यानी भारतीय रुपयों में करीब 975 करोड़ रुपए की डील की, ताकि ब्रिटेन अपने दुश्मन देशों पर नजर रख सके। और इस वक्त ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है, जो आए दिन उस पर परमाणु बम गिराने की धमकी देता रहता है। इसलिए ब्रिटेन ने भी रूस से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब जाकर नहीं बल्कि पिछले साल ही। बताया गया कि ब्रिटेन ने पिछले साल ही अमेरिकी कंपनी से डील कर ली थी। उस डील के तहत ब्रिटेन आसमान में 50,000 फीट से 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले गुब्बारे बनाएगा। इतनी ऊंचाई पर गुब्बारों पर खराब मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल बेधड़क उड़ सकेंगे। ब्रिटेन का प्लान यह है कि वो ऐसे गुब्बारे रूस जैसे दुश्मनों के ऊपर उड़ाकर अपने खिलाफ हो रही हर साजिश का पता लगाएगा। अमेरिका ने भी चीन पर पिछले महीने उसकी जासूसी करने के लिए गुब्बारे को ही मोहरा बनाने का इल्जाम लगाया था और फिर उस पर मिसाइल चला दी थी। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होली के दिन दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। उनके बीच किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसकी वजह से वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिससे ये साफ हो गया कि किम जोंग उन पर अमेरिका की चेतावनियों का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगले हफ्ते से एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी में। इस अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया पहले ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी है। हालांकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए ही दक्षिण कोरिया में पहली बार अपना AC-130 लड़ाकू विमान तैनात किया। से पहले ही किम ने मिसाइल दागकर अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दे दी और अपना रुख साफ कर दिया कि वो अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ 13 से 23 मार्च तक युद्ध अभ्यास करेगा। ऐसे में किम के इस एक्शन ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में कोरियाई द्वीप पर टेंशन बढ़ सकती है। इधर ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में मौजूद पारादीप तट से एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया। उस कबूतर के पैरों में कैमरा और चिप लगे नजर आए और वो कबूतर पारादीप तट के आसपास ही उड़ रहा था। इसी दौरान कुछ मछुआरों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कबूतर का इस्तेमाल जासूसी के लिए किए जाने की आशंका जताई, इसीलिए कबूतर के पैरों में लगे उपकरणों की जांच अब फोरेंसिक लैब से कराई जाएगी। इस बीच चैनल न्यूज एशिया नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया ने पोलैंड को यूक्रेन में तोप सप्लाई करने को हरी झंडी देने की बात की कि बात पहली बार कबूल कर ली, जबकि इससे पहले वो यूक्रेन को हथियारों की मदद करने की बात से इनकार करता आया। लेकिन चैनल न्यूज एशिया के मुताबिक अब दक्षिण कोरिया ने माना कि उसने पोलैंड को यूक्रेन में तोप सप्लाई करने की मंजूरी दी है। बताया गया कि इसी के बाद पोलैंड ने यूक्रेन को कई AHS क्रब तोपें भेजी थी। दावा है कि इन तोपों को तैयार करने में दक्षिण कोरिया ने भी मदद की थी। खबर है कि इन तोपों से यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार दक्षिण कोरिया पर यूक्रेन को हथियार देने का आरोप लगाते आए हैं, लेकिन इससे पहले खुले तौर पर उसने कभी ये बात नहीं मानी कि किसी भी तरीके से उसकी तरफ से यूक्रेन को हथियारों की मदद की गई। उधर नेटो का सदस्य देश स्लोवाकिया यूक्रेन को जल्द कई MiG-29 लड़ाकू विमान दे सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री ने जल्द इस पर फैसला लेने की बात कही और माना कि यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की मदद करने का समय आ गया। रॉयटर्स के मुताबिक अब स्लोवाकिया यूक्रेन को अपने वो MiG-29 लड़ाकू विमान देने के बारे में सोच रहा है जो उसने पिछले साल अपनी सेना से हटाए थे। इससे पहले यूक्रेन ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की मांग की थी पर उसने इन्हें देने से इनकार कर दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब वो यूक्रेन के पायलटों को इस फाइटर जेट को उड़ाने और इनसे हमले करने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अमेरिका जल्द यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे सकता है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन को दो देश लड़ाकू विमानों की मदद कर सकते हैं।